press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. निफ्टी के अंदर क्या कुछ बदल गया है पिछले हफ्ते से अभी तक, क्या कुछ बदल गया है, एक बार जरा उसको चेक करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग पिछले हफ्ते से बहुत पॉजिटिव हो गए हैं निफ्टी में। ठीक है, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, निफ्टी थोड़ा ऊपर भी गई है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो चुके हैं निफ्टी के ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ये एकदम पॉजिटिव अच्छी बात है या कुछ इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो देखो, पॉजिटिव होने में कोई बुराई नहीं है। जैसा चार्ट स्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे बदल रहा है, उसमें पॉजिटिविटी जो है धीरे धीरे जो है वो बियर की तरफ जा रही है, मतलब बुल की तरफ जा रही है, बुल थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और मार्केट अब यहां से एकदम बुलिश हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आसार थोड़े से नजर आ रहे हैं। अब जरा देखिए, मैं मोटा मोटी आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा, उस पर थोड़ा नजर रखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट को देखेंगे, सबसे बड़े टाइम फ्रेम को। ठीक है, सबसे बड़े टाइम फ्रेम को, तो सबसे बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, आपका यहाँ पे एक टॉप लग चुका है। कैसे लगा है, क्यों लगा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक टॉप जो है वो लग चुका है। ठीक है ना, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा आपको बिकवाली नहीं करनी है। आप भूल के भी सेल साइड में नहीं जाएंगे, आप मतलब शॉर्ट सेलिंग या कोई भी चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेंज है, ये एक ऐसा रेंज है जहां पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा, अगर आप काम कर रहे हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे काम करें और चार्ट को थोड़ा अच्छे से समझें। ये वो लेवल्स हैं जो आपको नजर रखनी है, जब तक जो आपका टॉप है जो हमने लगा देखा था, हम उसके ऊपर नहीं जाते, आपको बाय साइड में नहीं जाना है, जब तक एकदम एक्सट्रीमली बुलिश नहीं होना है, और जब तक आप लो के नीचे नहीं जाते आप एक्सट्रीमली बियर नहीं हो सकते। अगर मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि हम यहां से बियरिश नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, अगर लोग वहां पे शॉर्ट कर देते तो आप देखिए उनको जबरदस्त लॉस हो सकता था। तो आपको इस रेंज को रिस्पेक्ट करना है, हम एक रेंज के अंदर हैं, इसके ऊपर आपको एकदम बुलिश होना है, इसके नीचे ही आपको बियरिश होना है। ये रेंज जो है, हम अपना जो भी इसके और जो छोटे टाइम फ्रेम है उसको देख के अपने डिसीजंस को लेंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी, वही अभी चल रही है। तो ये आपका मंथली है, लेकिन एक बात याद रखें, ये कैंडल मंथली है। ये जो ग्रीन अभी आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन अभी आपको दिख रहा है भैया, ये एक हफ्ते ही हुए हैं, एक हफ्ते हुए हैं, तीन हफ्ते अभी और बाकी हैं, ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ है, है ना। तो आपको बिल्कुल भी एकदम उत्तेजित नहीं होना है, एकदम जोश में नहीं आना है कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है। भैया ये मंथली कैंडल है, चार वीकली कैंडल के मिलने से या और कुछ और दिन मिलने से ये कैंडल बनता है, तो आपको थोड़ा सा संयम रखना है। ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। ठीक है, अब जरा और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। इसका छोटा टाइम फ्रेम हो गया मेरा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वीकली चार्ट को अगर मैं स्टडी करूं तो भैया ट्रेंड तो हमारा ऊपर की तरफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमको एक गिरावट यहां से यहां देखने को मिली, ये जो लेवल था ये 61.8% का रिट्रेसमेंट था, यहीं पे आपको स्पिनिंग टॉप मिला और यहां से हम ऊपर की तरफ गए, और यही लेवल था 61.8% के रिट्रेसमेंट का, ऊपर जाने का, और हम उसके ऊपर नहीं जा पाए और अब हम इसके अंदर हैं। तो अगर जब तक आप इस लेवल के ऊपर नहीं जाते हो, वीकली चार्ट के हिसाब से आपको जो आपकी थिंकिंग है वो एकदम ज्यादा बुलिश नहीं होनी चाहिए, अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो, है ना। और ये आपका स्टॉप लॉस होगा वीकली चार्ट के अंदर, तो आप अभी उस लेवल के करीब करीब हैं। डेली चार्ट पे आए, एक बार डेली चार्ट पे आए,
तो थोड़ा और मजा आएगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में देखिए, अगर आप लोग को समझ में आता है, डेली चार्ट में कहानी थोड़ी सी और मजेदार है। आई होप आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको वापस एक बार अवगत करा देना है। सी, दिस इज पियर्सिंग लाइन, ये आपका पियर्सिंग लाइन है, ठीक है। उसका आपको कंफर्मेशन आया, इस कैंडल पे कंफर्मेशन आया। अगर आप उसके बाद के कैंडल लें, ये इसको लेके बुलिश हरामी लेके या कुछ भी लेके आप इसको पैटर्न को देखना चाहते हो, तो भी आपका कंफर्मेशन आया, है ना, आपको उसका कंफर्मेशन आया। तो मतलब आपको बाई कॉल मिल चुका है डेली कैंडल पे। इससे पहले अगर आप देखेंगे इस पूरे एरिया में आपको बाई कॉल नहीं मिल रहा था, आपको बाई कॉल नहीं मिल रहे थे, आपका कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, इधर कंफर्मेशन आया हुआ है, अगर आप इस बात को समझें, ठीक है। और ये है आपका स्टॉप लॉस। अगर कोई बाई करके चल रहा है निफ्टी के अंदर जिसमें कंफर्मेशन आया है, सो दिस इज योर स्टॉप लॉस। अच्छा, अगर मैंने बाई किया तो बाई, मैं क्यों बोल रहा हूं कि निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है बुल के लिए, सबसे पहला चीज, एक तो आपको बाई कॉल आया जो इससे पहले कहीं नहीं आ रहा था, ठीक है, आ रहा था कंफर्मेशन आने के बाद गिर जा रहा था, यहां पे उसने होल्ड किया है, पहला एक चीज ये हुआ। दूसरी चीज, ये यहां से ऊपर गया, नीचे आया, एग्जैक्ट 61.8 के लेवल से इसने रिट्रेसमेंट लिया है, वापस ऊपर की तरफ निकल गया, उसके नीचे क्लोज नहीं किया, जो हर बार हो रहा था, हम उसके नीचे जा रहे थे, हर बार हम 61.8 के नीचे चले जा रहे थे, इस बार हम नहीं गए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी एकदम जोश में मत आ जाना, सुन लो पहले पूरी बात, है ना, कभी कभी लोग ज्यादा जोश में आ जाते हैं, है ना, सुन लेना पूरी बात। ये आपको देखिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर है जो निफ्टी में हो रही है। यहां से अब ये ऊपर गया है, ये वाला भी आपका 61.8% का रिट्रेसमेंट है, जहां पे आके ये भी खड़ा हो गया, ये जो आके खड़ा हो गया, अपने आप लगा लेना, मैं लगा के भी दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, ये वहां पे आके खड़ा हो गया है और आपको स्पिनिंग टॉप मिला है। या तो नीचे जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है, जैसा स्ट्रक्चर बना है मुझे लगता है ऊपर जाएगा, लगता है, ठीक है, मेरे होने से, नहीं होने से, बोलने से कुछ नहीं होता, मार्केट मेरे बोलने से नहीं काम करती है, ठीक है। तो हमको देखना है स्पिनिंग टॉप के बाद क्या होता है, मंडे को क्या पैटर्न बनते हैं, उसके बाद हम अच्छे से और डिसाइड कर पाएंगे, बट मुझे ऐसा आभास हो रहा है शायद हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, किसी को याद होगा जो सुनते होंगे, कि आपको एक ऐसा रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगा, किसी को याद है, मैंने बताया था मार्केट गिर रही है, ऐसे ऐसे करके गिर रही है, आपको एक जो है एक ऐसा रिट्रेसमेंट पक्का मिलेगा, और उसके बाद हम शायद वापस नीचे चले जाएं या ऊपर चले जाएं, ये साइकिल है, ये तो आना ही है, ठीक है, चाहे आप मार्केट गिर रही हो ऊपर जा रही हो, ये तो आना ही है, ये मैंने पहले बताया हुआ था आप लोगों को, ठीक है, और वही हो रहा है। इसलिए ये जो ऊपर जा रहा है, आपको इसमें बहुत ज्यादा मतलब एकदम बुलिश नहीं हो जाना कि मतलब अरे तो मतलब हो गया, खेल खत्म हो गया, आप तो गाड़ी एकदम अच्छी है, ये डेली चार्ट है, अभी तक मंथली चार्ट में टॉप लगा हुआ है, मंथली जब तक पूरे हफ्ते कंप्लीट नहीं होते आप एकदम अच्छे से पॉजिटिव नहीं हो सकते, लेकिन एकदम बियरिश होने का भी अभी आपके पास कुछ नहीं है। आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे स्टॉक में अच्छे अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा मूवमेंट ले रहा है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छे अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक्स को जाके देखेंगे, तो आपको एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है ना, आप उसको यूज करें, और ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, पॉजिटिव साइन है सर, एब्सोल्युटली एकदम पॉजिटिव साइन है, और जैसा मैंने कहा कि मुझे वही पॉसिबिलिटी लगती है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं मुझे पॉसिबिलिटी ये लगती है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना, तो इसमें
इसका जाना बहुत अच्छी बात है। बट एक और चीज देखिए, अब एक मैं आपको दिखाता हूं, अब हमने ये सारी बातें कर ली, अब जरा देखिए थोड़ी सी और कुछ उंगली कर लेते हैं चार्ट के साथ, है ना। देखिए मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाता हूँ और लेट्स सपोज आई सॉरी मूविंग एवरेज क्यों लगा दिया यार मैंने, मैं एक मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर जो है इसको लगा लेते हैं ना। देखिए जब तक ये इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है ना, तब तक आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश करूं, आपको एकदम अच्छे से पॉजिटिव नहीं होना है ना, एकदम अच्छे से पॉजिटिव नहीं होना। दिस इज योर डेली चार्ट, इफ आई गेट डाउन विद वीकली चार्ट सी दिस, आप एक बार यहां तक भी जा सकते हैं 15383 तक भी जा सकते हो और हो सकता है वहां से नीचे गिर जाए वीकली चार्ट में, वो भी एक पॉसिबिलिटी है ना, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इफ आई गेट डाउन विद मंथली चार्ट, ठीक है मंथली चार्ट में तो मतलब स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ज्यादा पावरफुल है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बॉलिंजर बैंड भी लगा के रखता हूं तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करें, स्टेप बाय स्टेप देखें चार्ट कैसा जा रहा है, थोड़ा सा इसका बायस अच्छा है तो आप ये ऊपर की तरफ जो है एक बार आप बॉलिंजर बैंड में, आपको मालूम है अगर आपने 20 DMA को क्रॉस किया है तो आप एक बार ये जो अपर बॉलिंजर बैंड है इसको टच कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है हम वापस उस तरफ जा रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अगर हम उसको तोड़ के ऊपर निकल जाते हैं, ब्रेकआउट भी आपको मालूम है कैसे देखते हैं ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट कैसे आते हैं, तो बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट आएगा तो फिर आगे की कहानी शुरू होगी, फिलहाल तो स्टोरी आपकी ऐसी ही है ना। सब मंथली 10 EMA के ऊपर है सो वी कैन बी पॉजिटिव, यस। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया सर, अभी ये महीना पूरा बाकी है ना और टॉप लगा हुआ है एक, अब वो टॉप टेम्पररी है कि परमानेंट है हम नहीं जानते, एंड वी डोंट नो कि वो टेम्पररी है, कोई भी टॉप जब लगता है तो किसी को पता नहीं होता कि वो टेम्पररी है कि परमानेंट है। स्ट्रक्चर तो अगर आप देखें तो पूरा पॉजिटिव ही है, स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पूरा पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है, है ना, स्ट्रक्चर आपका पूरा पॉजिटिव है, दिखा भी देता हूं देखिए। स्ट्रक्चर आपका देखिए बहुत अच्छे से पॉजिटिव है, अगर आप लोग को ये देखना आता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, अगर आप लोग को ये देखना आता है तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपका एकदम अच्छे से पॉजिटिव है। इसके ऊपर एक बार जाके ये जो आपका रेसिस्टेंस एरिया है 15,000 इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा है। अब आप देखिए वीकली देखते हैं हम लोग, वीकली कैसी है, वीकली एकदम पॉजिटिव है, वीकली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, वीकली एकदम पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। मंथली अगर आप देखें, मंथली अभी भी पॉजिटिव है, तो अगर आपको डेली चार्ट में अगर एक मूव आता है ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल वहां पे बाई साइड में ही सौदे लेने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, है ना, अगर चलता है तो आपको बाई साइड में सौदे लेने हैं। लेकिन जब तक आपका वो डेली चार्ट में एक बार उसको तोड़ता नहीं, दिख तो रहा है भैया सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा अब अगर जरा मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलूं तो छोटे टाइम फ्रेम की कहानी क्या है, लेट्स गेट डाउन टू 1 आवर, लेट्स गेट डाउन टू 1 आवर, ओके 1 आवर की कहानी क्या है जरा वो भी देखते हैं। देखिए 1 आवर के अंदर भी आप जैसे आपका डेली चार्ट जो है और 1 आवर चार्ट अगर आप देखें दोनों में आप अटके हुए हो, दोनों में आप अटके हुए हो, अच्छा कंफर्मेशन आपको डेली चार्ट में भी नहीं मिल रहा, वीकली अच्छा है मंथली अच्छा है, ठीक है अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको देखना है कि भैया एक बार हम इसके ऊपर निकले तो कहानी आगे अच्छी हो, तो ये हम अभी ORB में सीखेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो वीकली के अंदर भी सॉरी ये आपका आवरली चार्ट है, इसमें जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते है ना, इसके ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक आपको थोड़ा वेट करना है। और अगर मैं इसके भी नीचे टाइम फ्रेम में जाऊं एक बार, लेट्स गेट डाउन टू 15 मिनट में आप देखिए पॉजिटिव है, एक बार इसके ऊपर सेम इसके ऊपर आके एक बार तोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक बार ऊपर से नीचे आया है, लेट्स वेट। और नीचे चले जाए, लेट सपोज इफ यू गेट डाउन टू 5 मिनट्स, तो आपने नीचे वाला लेवल तोड़ा है, अगर आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर तो आपको सेम वही 14851 सब जगह आपको ये वाला लेवल जो है बहुत डिसाइसिव लेवल है। जब तक आप इसके ऊपर ठीक से नहीं जाते आपको थोड़ा सा संयम रखना है चार्ट के अंदर, संयम रखना है,
एकदम छोटे टाइम फ्रेम में, एकदम छोटे टाइम फ्रेम में, वन मिनट में वी आर इनटू सेल पोजीशन, एकदम छोटे टाइम फ्रेम में वी आर इनटू सेल पोजीशन वन मिनट के अंदर। सो मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम दिखाया है, मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कि आप समझे इस चीज को। सारा चीज अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट आपको ज्यादा जोश में नहीं आना है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर अच्छे लेवल्स आपको मिल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, लेकिन आप अभी इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी लेके वहां पे काम नहीं करना। ट्रेडिंग मेंटालिटी से आप काम कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट अगर मिल रहे हैं आप उसको ले सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में, मतलब मैं देख रहा हूँ चाल बन रही है, अच्छी अच्छी चाल बन रही है बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, है ना, तो आप उसके अंदर अपना देख सकते हैं। अगेन मेरे ख्याल से आज ज्वाइन बटन वालों के लिए एक वीडियो आएगा, उसमें एक सेक्टर को मैंने एनालाइज किया, आप उसको देखिएगा, तो उसके उस सेक्टर के अंदर पूरा ऑलमोस्ट एक टर्न अराउंड हो गया है। उसके सारे स्टॉक जो हैं मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के करीब करीब है, सारे स्टॉक्स जो मोटा मोटी मेन अच्छे जो स्टॉक्स है, जाके आप उनके चार्ट को देख लेना जो लोग ज्वाइन मेंबर्स में है, उसके सारे स्टॉक्स जो हैं वो उसके हाई के करीब करीब है, तो आप जाके उसको देख लेना अपने हिसाब से और एनालाइज कर लेना। तो मैंने आपको जो है निफ्टी के बारे में बता दिया है, फिलहाल तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक ऊपर की तरफ, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, अपना रेसिस्टेंस और सपोर्ट अपना ध्यान रखिए और अपना काम करें, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। जब तक हम मंथली चार्ट में जो हमारा हाई लगा है उसके ऊपर एक बार ना निकल जाएं, तब तक आपको थोड़ा सा संभल के ही काम करना है। तो ये थोड़ा संभलने का टाइम है, मार्केट के अंदर भी और घर के बाहर भी, है ना, दोनों जगह। तो घर के बाहर भी आप संभल के रहिए, मार्केट के अंदर भी आपको थोड़ा संभल के चलना है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी के बारे में।